नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव आज झारखंड एक पर। झारखंड पंचायत चुनाव के पीछे की घोषणा के साथ ही झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर इसको लेकर तब्दीली बहुत तेज हो गई है। आज हमारे साथ विशेषज्ञ बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत अरगड़िया प्रखंड धनबाद मुखिया जितेंद्र सिंह जुड़ने वाले हैं। चलिए आज लाइव बातचीत करते हैं मुखिया जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी लाइव आज झारखंड एक पर के आपका। जी कैसा रहा कार्यकाल आपका, कितना विकास हुआ पंचायत का? मेरा कार्यकाल अच्छा रहा, कुशल रहा और विकास भी अच्छा खासा हुआ है। जी, कौन कौन सी योजनाओं पे मुख्य रूप से कार्य किया आपने? जी मैंने मुख्य रूप से जैसे डोभा वगैरह हुआ, डोभा हुआ, पीसीसी हो गई, फेवर ब्लॉक हो गए, आपको पशु शेड वगैरह हो गई। जी, जितेंद्र जी आवास योजना की क्या स्थिति है, कितने लोगों को लाभ मिला है उसके अंतर्गत आपको? हमारे यहाँ आवास योजना मैडम ज्यादा को नहीं मिल पाया। क्या वजह रही? अब ये वजह तो मैं मैडम क्या बोले, हम लोग तो जो फॉर्म भर के भेजा गया तो हम लोग भेजे, एक बार मेरे पास 82 आदमी की लिस्ट आई थी, उसमें से लगभग 5 से 7 आदमी का अभी मिला है। किसी को भूमि भी दो आदमी को भूमि भी मिली है, भूमि के 4 डिसमिल जमीन के साथ में मकान का दो राशि मिल चुकी है और बाकी राशियां मिल रही हैं और बना भी रहे हैं लोग, और 3 मकान 4 आवास बन चुके हैं और बाकी उन लोगों का कहना है कि अभी मतलब धनबाद जिला को खास आया, बोले कि आगे से फंडिंग कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण नहीं हो पाया, तो अभी 82 आदमी का लाइन में 82 आदमी हैं जिनका आवास पास होके रखा हुआ है, हो सकता है उनका ये फर्स्ट किस्त आफ्टर इलेक्शन के बाद में घुस जाए। जी, अच्छा, जल मीनार मेरे यहाँ मैडम 1 लगा। पानी की फिर क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ मैडम देखिए दो व्यवस्था है, एक माडा के द्वारा व्यवस्था है, एक LNT द्वारा व्यवस्था है। LNT जो है राज्य सरकार की योजना है और माडा जो यहाँ पर है वो एक यहाँ के BCCL जो, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है कोयला खदान का क्षेत्र है, कोलेरी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर BCCL कर्मी भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं, तो उन लोगों को जैसे क्वार्टर वगैरह में जो ऐसी व्यवस्था की गई है वही ग्रामीणों को भी व्यवस्था वही व्यवस्था मिल जाती है, इसलिए यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है। पानी लगभग यहाँ मतलब कि 24 घंटा उपलब्ध है मेरी पंचायत में, कोई बगल की पंचायत में सर। हाँ हाँ, झारखंड में तो नॉर्मली सब जगह अधिकतर पानी की समस्या सामने ही आ रही है। नहीं, हाँ बगल में है, बगल में जैसे अभी पांडर कॉलोनी रसीन है, पूर्वी है, इस सब में वहाँ पर जो है आपको पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है और नीचे भूतल में भी पानी नहीं है, क्योंकि खदानी इलाका होने के कारण नीचे का पानी का स्रोत बहुत नीचा है जिससे बोरिंग नहीं हो पाती है। मैडम उस समय में ये चुनौती मेरे लिए सबसे बड़ी थी कि यहाँ पर ग्रामीणों का जो है राशन कार्ड बहुत कम बना हुआ था, प्लस यहाँ पे मेरी पंचायत भवन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ था, फंड में पैसे कुछ कम थे जिसके, और काम कुछ ज़्यादा बचा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने वो अच्छी तरह से कुशल पूर्वक फिर उस कार्य को पूर्ण किया और आज मेरी पंचायत 12 पंचायत में दिखने लायक पंचायत है। और राशन में राशन कार्ड की जो बात बता रहे थे उसके कितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है? इस बार लगभग 600 से ऊपर व्यक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है। पेंशन योजना मैडम मेरे यहाँ कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 70-80 आदमी की पेंशन योजना है। ये तो सरकार की जो आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत कैंप लग रहा था वो आपके पंचायत में लगा या नहीं? हाँ लगा मैडम, सबसे पहला कैंप मेरे ही पंचायत में लगा था जब धनबाद प्रखंड के अंतर्गत। ग्रीन कार्ड से कितने लोगों को जोड़ा गया? लगभग मैडम थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कीजिए। जी, तो कितने लोगों का नाम जुड़ा आवेदन के लिए?
लगभग 100-125 लोगों ने आवेदन के द्वारा जुड़े हैं। उसके बाद में कुछ कार्य में भी प्रगति बहुत ज़्यादा आई है। शौचालय का निर्माण मैडम मेरे यहाँ लगभग 275 to 278 हो गया, और मेरा ODF हो गया था उस पीरियड में। अभी कुछ एप्लीकेशन नए आए हुए हैं तो उसके बाद सब कुछ बढ़िया है। मेरा मैडम पहला ही कार्यकाल था। मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य करवाया आपने? हम लोगों ने डोभा बनवाया है, फिर क्या नाम है कुछ रेन एवेस्टर भी बोलते हैं उसको बनवाया है, और आपको मनरेगा के तहत हमारे यहाँ पशु वगैरह जो शेड वगैरह है वो कुछ गाय चाला वगैरह ये सब थोड़ा बना है दो चार, और कुछ जी जी आपके आंगनबाड़ी कितने संचालित है इस बार? जी मैडम आंगनबाड़ी कितने संचालित होंगे? हमारे यहाँ इस वक्त 2 आंगनबाड़ी संचालित है मैडम। वहाँ पर सारी चीज़ की व्यवस्था है? हाँ, सब चीज़ की व्यवस्था है। वहाँ पर क्या व्यवस्था है? स्कूल मेरे यहाँ देखिए प्राथमिक विद्यालय वगैरह हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, और दोनों में व्यवस्था जो है पानी बिजली सब चीज़ की है, और पढ़ाई भी सुचारू रूप से ढंग से चल रही है, टीचर भी सब अच्छा ही दे रहे हैं। कोरोना काल में छोड़ के कोरोना काल में थोड़ा सा मतलब यही है कि उस पीरियड में जब सरकार के द्वारा ही बंद किया गया था तो टीचर या हम लोग क्या कर सकते हैं। और इलाज की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? स्वास्थ्य नहीं, मेरे यहाँ स्वास्थ्य जो चिकित्सालय जो अपने राज्य सरकार का है वो यहाँ से 3 किलोमीटर पर है। जी, तो आपने कहीं पर आवेदन वगैरह दिया है पूर्व में कि आपकी पंचायत में भी ये व्यवस्था उपलब्ध हो जाए? मैडम हाँ, तो मैडम उसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो कोलियरी क्षेत्र होने के कारण जो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का अपना स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लगभग लोगों को हम लोग को प्रोटेक्ट हम लोग अगर उनका अनुशंसा कर देते हैं कि थोड़ा सा इनको देख लिया जाए थोड़ा सा, तो वो लोग प्रोटेक्शन देते हैं, हम लोगों को सहायता करते हैं हमारी। जी दोबारा एक बार फिर चुनाव में जाने की योजना है नहीं क्योंकि तो घोषणा हो गई जी मेरे यहाँ घोषणा हो गई है मैडम, और हमारी सीट जो है जनरल महिला हो गई, इसके कारण ये अब दोबारा मौका मुझे तो नहीं मिल रहा। जी, तो किसको उतारेंगे चुनाव में इस बार? देखिए मैडम, उतारने के लिए तो हम किसी को नहीं, हमारे साथ में हमारी जो परिवार है धर्मपत्नी है वो बराबर कार्यरत रही है, अगर उनका इच्छा करेगा तो वो आ सकती। जी मतलब अभी आपने कुछ सोचा नहीं है मुखिया जी, हमारे चैनल के मदद से जाते जाते क्षेत्र की जनता को चुनाव के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ चुनाव के लिए मैसेज यही है मेरी जनता में, आप साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति को चुने जो आपके लिए कार्य कर सकता है, जो आपके लिए 12 बजे रात को भी खड़ा हो गया आपके लिए दौड़ सकता है, धूप सकता है, कोई कार्य में आपकी सहायता कर सकता है, वैसे व्यक्ति को चुने, और जो समाज में कम से कम दलित शोषित व्यक्ति को उठाने की कोशिश कर सके उस वैसे व्यक्ति को चूज करें, चाहे वो कोई भी हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुखिया जी, लाइव झारखंड से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मुखिया जितेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों से पंचायत में बतौर जनप्रतिनिधि है और पंचायत के विकास के लिए प्रयास किए हैं, तमाम कार्यों को किया है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्होंने प्रभार हुआ था उस वक्त यहाँ पर राशन की बहुत असुविधा थी, जिस वक्त उन्होंने काफी हद तक दूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पंचायत में अभी तक आवाज बहुत ज्यादा लोगों को मुहैया नहीं की है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि इस बार के चुनाव में उचित प्रतिनिधि का चुनाव करें जो कि इस पंचायत का विकास करें। ऐसे तमाम खबरों सब देखा जाए, आप देखते रहे लाइव बिहार झारखंड।